नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भोपाल में भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पुराना रोग उभर कर सामने आ रहा है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उसे राम से आपत्ति है या मंदिर से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जमीन आसमान एक करके रखा था राम मंदिर न बनने देने के लिए। आज जब मंदिर बन रहा है तो इनके मन में होली जल रही है और उसकी आग ठंडी नहीं पड़ रही है। कांग्रेस के लोग बरबरी मस्जिद को शहीदी बता रहे हैं, ये सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना है। त्रिवेदी ने कहा कि कार्य सेवकों को अयोध्या जाने से रोकने के लिए इन्होंने दीवार बना ली थी। इतना ही नहीं, इन्होंने एमपी की पटवा सरकार भी बर्खास्त करवा दी थी। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर को राजनीति के तराजू में लाभ हानि पर तोला है, जबकि भाजपा के लिए राम मंदिर आस्था का विषय है। ये हमसे तारीख पूछते थे, इसलिए लीजिए आ गई तारीख। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में खामखा का इफ्तार होता था, ना तो इसमें रोजा रखने वाले होते थे और न इफ्तार करने वाले। कांग्रेस ने चुनावी मुद्दे पर त्रिवेदी ने कहा कि चेहरे फितरत बदल रहे हैं, मुद्दा तो सिर्फ एक है, प्रदेश का विकास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खतरनाक राजनीति कर रही है, मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर नफरत है। जातिगत गणना जुड़े सवाल पर त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पहले बताए उन्होंने जातिगत गणना रोकी क्यों थी। आपने देखा कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग तक चले गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि राम मंदिर को लेकर आपको राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति है। यदि राम शब्द से आपत्ति है तो महात्मा गांधी की समाधि पर राम लिखा हुआ है, कांग्रेस कहे कि वो सांप्रदायिक है। यदि मंदिर से आपत्ति है तो सबसे ज्यादा चुनावी मौसम में मंदिर जाते हुए आपने कांग्रेस के नेताओं को ही देखा होगा। तो जब राम से आपत्ति नहीं, मंदिर से आपत्ति नहीं, तो फिर राम और मंदिर मिल जाए तो आपत्ति है। और शायद इसलिए भी हो सकती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले की ये अंतिम दीपावली है। अगली दीपावली में श्री रामलला पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ विद्यमान होंगे। तो जिन लोगों ने सदा सर्वदा जमीन आसमान एक करके रखा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण ना होने पाए, हो सकता उनके दिल में जो होली जल रही हो उसकी आँच ठंडी ना पड़ पा रही हो, इसलिए कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कोर्ट की अवमानना करते हैं। कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया है, विवादित ढांचा। और यदि कहीं बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग हुआ है तो राम जन्मभूमि बाबरी परिसर जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई ये कहे कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, इसका मतलब न्यायालय की भी अवमानना है, जनभावना की भी अवमानना है। और अब 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आने के बाद तो वो कैटेगोरिकली क्लियर हो गया ना, विद ए क्लियर जजमेंट लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वो राम जन्मभूमि है। अभी भी बोलना, और मैं संक्षेप में आपको याद दिला देना चाहता हूं, आज जो लोग बड़े दावे भरने की बात करते हैं और जिनकी हकीकत सामने आ जाती है, याद करिए 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब अयोध्या में श्री रामलला का प्राकट्य हुआ, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री गए थे फैजाबाद रोकने के लिए। और आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जाके आर्काइव्स में रिसर्च करके निकालिएगा। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सीएम को रोक दिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था, तो आज की डेट में सीएम को जो पावर है वो नहीं थी। एंड द हेडिंग इन द न्यूज़पेपर्स वाज चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट फॉर व्हाट। उन्होंने कहा कि आपके यहां आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। उसके बाद चेक करिएगा 1961 तक मुस्लिम वर्ग पक्षकार ही नहीं बना इसमें। के मोहम्मद जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में एक विचार था कि हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। पर टाइटल सूट में 12 साल की मियाद होती, जब उसमें 11 दिन रह गए थे, दिसंबर 1961 में वो पक्षकार बने। किसने बनवाया? प्रेरित करके बनवाया। रोकने का सिलसिला इतना ही नहीं रुका। 1976 में इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब रूटीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई हो रही थी तो नीचे 8 खंभे निकल आए और तब वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में खुदाई रुकवा दी गई। और रुकवाई नहीं गई, कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि खुदाई कभी की नहीं जाएगी, क्योंकि पता था कि खुदाई होगी तो कुछ और निकल आएगा। और उसके बाद मैं याद दिलाना चाहता हूं, मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 21st सेंचुरी शुरू हुई, रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई जब अटल जी की सरकार थी।
कोर्ट ने खुदाई के लिए मना किया था ना, रडार मैपिंग के लिए तो नहीं। तो रडार मैपिंग की गई, लाइक सर्जरी प्रोहिबिटेड अगर है तो अल्ट्रासाउंड तो नहीं ना, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, तो कोर्ट ने परमिशन दे दी। 2003 में खुदाई में सब कुछ निकल आया। उसके बाद इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर तथा कथित बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन के खड़े होते थे। इन्हीं के नेता याद करिए, श्री पीवी नरसिम्हा राव ने 7 दिसंबर 1992 को कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए 15 जनवरी 1993 को उन्होंने फिर रिट्रेट किया और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात बोली। जबकि एक और बात है, ये कह के सिर्फ वो देश की जनभावना का अपमान ही नहीं कर रहे थे, सांप्रदायिक वातावरण ही बिगाड़ नहीं रहे थे, इस्लाम धर्म का अपमान भी कर रहे थे, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार तो वो काफिर है और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है, और संविधान का अपमान कर रहे थे। हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर से कि वो मस्जिद बनवाएगा। हमारा बहुत साफ कहना था, हम मंदिर नहीं बना रहे थे, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, मंदिर निर्माण का काम श्री राम जन्मभूमि समिति और संतों का था। फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये वही मध्य प्रदेश है, हम लोग तो उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, जिस समय पटवा जी की सरकार थी यहां, 1990 कार सेवा के समय जब मध्य प्रदेश से कार सेवक जा रहे थे, तो ग्वालियर से झांसी की रोड के ऊपर झांसी में कोई जाने ना पाए तो दीवार बना दी गई थी अस्थाई, और उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, क्योंकि बीजेपी ने 24 अक्टूबर 1990 को समर्थन वापस ले लिया था जब समस्तीपुर में आडवाणी जी की यात्रा को रोका गया था। तो आप समझिए, दीवार लगा दी गई थी कि यहां से कोई जाने ना पाए, और जब 6 दिसंबर 92 की घटना हुई तो यूपी में समझ में आता था कि मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त की गई थी। संवैधानिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें बर्खास्त करने के पीछे आपका क्या तर्क था, और उस समय तो कमलनाथ जी उस कैबिनेट के मंत्री थे। इसलिए उसके उपरांत 2010 का जजमेंट आता है लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इनके नेता वकील का चोला ओढ़कर क्या बोलते हैं कि 19 से पहले जजमेंट मत आने दीजिए वरना इसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर आप तौलते रहे, हमारे लिए वो आस्था का विषय था। और आज इतना बड़ा वक्त में बदलाव आया है कि जब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, हम लोग तो बहुत पूछते थे ना, हम लोग टीवी डिबेट में जाते थे तो पूछते थे, आ गए भाई भाजपा वाले जो कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख आ गई। और ये तारीख खबर से मिचोगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।